तो आइए हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं बिहार स्टेट का जो है पेपर टू पीजीटी। हम लोग पीजीटी इंग्लिश का जो करने वाले हैं, तो इसमें क्या है जिसमें आपको जो पेपर टू है थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, इसके वजह से आप समझ सकते हैं कि कितना तैयारी करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से मुलाकात होता है। ये जो है कंथापुरा है, लिखा गया है राजा राव के द्वारा। एमसीक्यू करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हो बहू मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन हम लोग मतलब शुरू करते हैं। सो व्हाट रोल डज द विलेज डाइटी, विलेज डाइटी जो है विलेज का जो एक देवी हुआ करता था, ठीक है, देवी हुआ करती थी या कहा ना, तो उसका रोल क्या है, ठीक है। नाम था देवी का कैंचम्मा। प्ले इन द कंथापुरम, कंथापुरा जो है नोवल है, इस कंथापुरा नोवल में कंचम्मा जो है, कैंचम्मा करके एक देवी हुआ करती थी एक विलेज के, तो उसका रोल क्या है। तो यहाँ सी गाइडेड बोलता है, सी गाइड्स मूर्ति एक्शन, मूर्तिस एक्शन, आर शी प्रोटेक्ट्स द विलेज फ्रॉम हार्म। और नेक्स्ट है आपका यहाँ शी प्रमोट्स ब्रिटिश रूल, और नेक्स्ट है यहाँ आपका सी एम्फ, ठीक है, सिम्बोलाइजेस द कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको ये जो है उस विलेज को क्या हानि से बचाती थी, कंचम्मा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। आइए क्वेश्चन नंबर टू जो देखने को मिलता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर टू देखिए। सो व्हाट डज रंगम, ठीक है, रंगम्मा कंट्रीब्यूट टू द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन कंथापुरा, कंथापुरा नोबल है, तो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में जो रंगम्मा कैसे कंट्रीब्यूट किया है, किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया। तो बाय ऑर्गेनाइज क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट एंड डिमोस्ट्रेशंस। नेक्स्ट है बाय एडवोट, ठीक है, एडवोकेटिंग फॉर आर्म्ड रिविलियन। नेक्स्ट है वेटिंग पॉलिटिकल पम्पलेट्स बाय वेटिंग सॉरी बाय राइटिंग पॉलिटिकल पम्पलेट्स एंड बाय लीडिंग द वुमेन्स वॉलेंटियर क्रॉप्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, क्या है कि वुमेन्स का वॉलेंटियर कॉर्प्स है, ठीक है, वुमेन वॉलेंटियर कॉर्प्स को लीड करता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये थर्ड इन क्वेश्चन आइए। सो व्हाट इज़ द मेन, ये बहुत जो है देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन थीम एक्सप्लोर्ड इन कंथापुरा, कंथापुरा नोवेल में, तो आपको मेन थीम क्या एक्सप्लोर किया गया, जेंडर इक्वलिटी है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, और कल्चर क्या है, कल्चर आइडेंटिटी है, और ठीक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये इसका राइट हो जाएगा कल्चर आइडेंटिटी, ठीक है, संस्कृति जो आइडेंटिटी पहचान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर करता है हाउ डज द नोवल कंथापुरा ठीक है क्रिटिक द कास्ट, यहाँ बोलता है क्रिटिक द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम नोवल, कास्ट सिस्टम मतलब नोवल कंथापुरा है, जो कंथापुरा नोवल है वो कास्ट सिस्टम को किस तरह से क्रिटिक कर है ना क्रिटिक करते हैं। तो देखिए बाय प्रोमोटिंग इंटर कास्ट मैरिजेस बाय ठीक है एडवोकेटिंग फॉर द एबोलिशमेंट ऑफ कास्ट कास्ट, और नेक्स्ट है हाईलाइटिंग द यूनिटी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और नेक्स्ट है बाय डिपो ठीक है डिपिक्टिंग द भी प्रिवि ठीक है प्रिविलेजेस ऑफ हायर कास्ट। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, हाईलाइटिंग द यूनिटी ऑफ ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, इसका यानी आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन फाइव में आइए। सो हाउ डज द विलेजर्स ऑफ कंथापुरा कंटिन्यू देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए
उन लोग जो है लगातार अपने फाइट को जारी रखा। किस तरह से जो कंथापुरा का विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो किस तरीके से फाइट करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, कंटिन्यू रखते हैं फाइट कर। तो बाय ठीक है, एम्ब्रेसिंग ब्रिटिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशन बाय गिविंग ऑफ देयर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है बाय रीस्टोरिंग टू वायलेंस और बाय लुकिंग टूवर्ड्स द फॉर फ्यूचर रिमाइनिंग रॉयल टू गांधीज आइडियाज़। यानी इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, लुकिंग फॉर टूवर्ड्स, सॉरी, लुकिंग टूवर्ड्स फ्यूचर और फ्यूचर और रिमाइनिंग जो रॉयल, ठीक है, रिमाइनिंग रॉयल टू द गांधी आइडियाज़, ठीक है, इनके विचारों पर। चलिए की ओर चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है, क्वेश्चन कितना नंबर आ जाता है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ जाता है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, सो व्हाट बिकम्स द लीडर, सॉरी, हु बिकम्स द लीडर ऑफ गांधीज इंडिपेंडेंस कमेटी इन कंथापुरा। कंथापुरा में इंडिपेंडेंट कमेटी बनता है, गांधी कमेटी का लीडर कौन बनता है, ठीक है, जो कंथापुरा में एक कमेटी बनता है, उस कमेटी का लीडर कौन होता है, तो राजा राव, महात्मा गांधी और अचक्का मूर्ति। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, देखो कंथापुरम पढ़ोगे, कंथापुरा, तो उसमें जो है अपना कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस जो है कम्युनिटी पार्टी बना लेते हैं, वही इंडिपेंडेंस कम्युनिटी पार्टी, उसको उसका लीडर जो है मूर्ति हुआ करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है व्हाट इज द आउटकम ऑफ इवेंट्स इन कंथापुरम एट द एंड ऑफ नॉवल। मतलब नॉवल के अंत पर, कंथापुरम जो नॉवल है उस नॉवल के अंत में जो कौन सा ऐसा इवेंट आउटकम है ना होता है, क्या होता है, तो देखिए विलेज, द विलेज बिकम्स मोर डिवाइडेड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्स मोर कंट्रोल, और द विलेज इज यूनाइटेड अक्रॉस द कास्ट लाइन, और नेक्स्ट है आपका विलेजर्स गिव ऑफ देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए इन लोग जो है अपना फाइट करना छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं, पता है, लगे रहते हैं। विलेज जो है यूनाइटेड अक्रॉस द कास्ट लाइन, नहीं, इस सब में नहीं, सब मिलकर काम करते हैं। और क्या है, विलेज बिकम्स मोर डिवाइडेड, नहीं, डिवाइडेड नहीं, विलेज जो है और यूनाइटेड हो जाता है। तो यहाँ है ये जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलिए, नहीं, ये तो मोर कंट्रोल को गेन, ये आपका राइट ये हो जाएगा ना, विलेज जो है यूनाइटेड हो जाता है कास्ट लाइन में, ठीक है, सारे कास्ट जो है एकजुट हो जाते हैं और आंदोलन करने लगते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, तो देखते क्या है। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू विलेज कंथापुरा, कंथापुरा जो है विलेज जो है वहाँ क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ पुलिस ब्रिटिश आर्मीज, यहाँ एस है आर्मीज, ठीक है, एक्शन ब्रिटिश और पुलिस का आर्मी का परिणाम जैसा होता है, तो वहाँ उस समय कंथापुरा विलेज जो है उस क्या होता है वहाँ, इट बिकम्स मोर प्रोस, ठीक है, प्रोस्पेरस, और इट बिकम्स डिवाइडेड अलोंग कास्ट लाइन्स, नेक्स्ट है इट बर्न्ड डाउन, और ये हो गया, यानी आपका राइट क्या हो जाएगा, उसको जला दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे बर्न, ठीक है, बर्न्ड डाउन किया जाता है, जला दिया जाता है गांव का, और उन लोग जो है वो उस गांव को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, एक पड़ोसी गांव होता है, ठीक है, कहाँ, ठीक है, उस गांव में चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
वाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मूर्तिस 3 डेज फास्ट इन कंथापुरा, जब ये आंदोलन करने लगते हैं, ठीक है, तो मूर्ति जो है 3 दिन का फास्ट रखता है, उसका सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इट डिमोस्ट्रेट्स, बोलता है कि डिमोस्ट्रेट्स हिज कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस का अपना कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट को ये जो है मूर्ति का 3 दिन का जो है वो डिमोस्ट्रेट करता है, वो बतलाता है। इट लीड्स टू ए वायलेंस अपराइजिंग, और नेक्स्ट है आपका यहाँ, इट्स शोकेसेस हिज फिजिकल एंडोरेंस, एंडोरेंस ठीक है, एंडोरेंस। नेक्स्ट इट सिंबलाइजेस हिज ठीक है डिटैचमेंट फॉर फ्रॉम सोसाइटी, तो इसका राइट यही हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोलता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में, सो व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ द नोवेल कंथापुरा, कंथापुरा का प्राइमरी फोकस क्या होता है? इंडियन, बोलता है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथिंग, और महात्मा गांधीज फिलोस ठीक है गांधीज फिलोसॉफी, तो ये ही होता है महात्मा गांधी फिलोसॉफी, ठीक है, ये प्राइमरी फोकस है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 की ओर, क्वेश्चन 11 है, हाउ इज़ द बुक कंथापुरम नरेटेड, यानी कंथापुरा जो बुक है नॉवल है वो जो है कैसे नरेट किया गया है ना, किया जाता है फर्स्ट पर्सन नरेटिव, नेक्स्ट है आपको यहाँ थर्ड पर्सन, डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ पुराण, ठीक है, पुराण बाय ओल्ड ओमेन, यही राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ये राइट ऑप्शन होगा, और ये जो है आपका नोबल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट 12, क्वेश्चन 12 कहता है विच कास्ट इज कंसिडर लोवेस्ट इन द विलेज ऑफ कंथापुरा, कंथापुरा गांव में जो एक लोवेस्ट कौन सा कास्ट को माना जाता है, ब्राह्मिन्स ब्राह्मण जो ब्राह्मिन्स, और यहाँ पिरहास, और नेक्स्ट है हाई कास्ट लेबर ठीक है लेबरर्स, और ब्रिटिश रूलर्स, तो आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा पिरहास, जो क्या बोलते हैं कुल्ली इस तरीके से, तो इनको बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 कहता है व्हाट इंपैक्ट डज महात्मा गांधीज फिलोसॉफी हैव ऑन मूर्ति, यानी मूर्ति पर जो है प्रभाव, महात्मा गांधी का फिलोसॉफी जो है मूर्ति पर किस प्रकार से यानी कैसे प्रभाव पड़ता है मूर्ति पर, ठीक है, तो ही बिकम्स ए स्टांस ठीक है अलाई ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, नेक्स्ट है आपका यहाँ ही स्टार्ट वेयरिंग ब्रिटिश क्लॉथ्स एंड फॉलोज देयर मैनर्स, ये तो होगा ही नहीं, लोग ऐसा ये मूर्ति करता ही नहीं है, ये तो अपोज कर रहा है ना। तो ही बिकम्स ठीक है एक्टिविस्ट एंड स्पीक्स आउट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, यह भी नहीं करता है कास्ट सिस्टम पर, ये तो और जोड़ने की बात करता है, एक करने की कोशिश करता है इक्वलिटी लाने का। तो ही रिजेक्ट्स इंडियन ट्रेडिशंस एम्ब्रेसेस वेस्टर्न कल्चर, यह भी क्या हो जाएगा, यह भी नहीं करता है क्या, नहीं ऑप्शन यही होगा, ठीक है, ये एक्टिविस्ट बन जाता है और ये जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बोलने लगता है, कि जैसे ये ब्राह्मण खुद होता है मूर्ति खुद होता है,
लेकिन ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचा कास्ट की ओर आता, और यही जो है ये छोटा लोअर कास्ट की ओर, ये कुली हो या किसी कास्ट में हो, ये नीचे की ओर उन लोगों को बढ़ावा और उन लोग को हटाना चाहता है, छुआछूत ये सबको। यानी आपका राइट आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14। सो व्हाट हैपेंस व्हेन मूर्ति इज इनवाइटेड टू स्पीक एट द मीटिंग्स ऑफ लोकल कॉफी स्टैंड, यही कॉफी स्टेट क्लर्क्स। क्या होता है जब मूर्फी को इनवाइट किया जाता है इस मीटिंग, जो लोकल कॉफी स्टेट कलर्स होते हैं उस मीटिंग में उसको बुलाया जाता है बोलने के लिए, उस समय क्या होता है? तो देखिए, ही इज़ बीटेन बाय लेबरर्स, को लेबरर्स के द्वारा मूर्ति को पीट दिया जाता है। ही इज़ अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। ही इज अन क्या है, एक्स कम्युनिकेटेड बाय विलेज प्रिस्ट, यानी विलेज प्रिस्ट के द्वारा उसको एक्स कम्युनिकेटेड किया जाता है, और इसको लोकल पुलिस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बोलिए, पीट दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन जो है आपका यही होगा, ठीक है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। इसको जो है बड़े खान जो होता है वो इसको ये करता है, उसके बाद इसको ठीक है अरेस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो व्हाट डज मूर्ति कॉमिट टू डिस्पाइट द वायलेंस ही वाज ए पार्ट ऑफ। मूर्ति जो है कमिट क्या करता है, टू डिस्पाइट है ना, ए डिस्पाइट द वायलेंस, यानी वायलेंस के बावजूद में वो क्या करता है, क्या गलती या क्या करता है। तो ही वाज ए पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होता है, नॉन वायलेंस का, रिवेंज का, आर्म्ड रिविलियन का, पीसफुल पीसफुल नेगोशिएशंस का। तो आपको नॉन वायलेंस का पार्ट होता, अहिंसा का, ठीक है? ये मूर्ति जो है महात्मा गांधी का विचार, आइडिया, फिलोसॉफी को ये क्या करता है, फॉलो करता है। चलिए पूरे कंथा पूरा नोवेल में। सो चलिए, हाउ डज मूर्ति प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन कॉलोनियल रूल्स, इंडियन कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में ये आवाज़ उठाता है, ठीक है? कैसे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेस्ट करता है इस प्रकार से? तो बाय स्टेइंग होगा, यहाँ स्टेइंग नहीं, यहाँ वाई स्टेइंग ए 3 डेज फास्ट, और बाय ऑर्गेनाइजिंग ए वायलेंस रिवोल्ट, बाय सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बाय राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो आपको राइट हो जाएगा आपका ए, 3 दिन का फास्टिंग रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 17। 17 क्या कहता है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड इन नोबल, इन द नोबल कंथापुरम। तो यहाँ पे प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस जो यूज किया गया है वो क्या है, एलेगोरी, ठीक है? एलेगोरी की बात की गई, ना कि फॉर शेडोइंग और सिमली और एलिट्रेशन। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलेगोरी। चलिए क्वेश्चन की नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो विच फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट हैविंग इन्फ्लुएंसेस मूर्ति एक्टिविज्म, ठीक है, एक्टिविज्म इन कंथापुरा। मूर्ति का जो एक्टिविज्म है यही है कि कौन किस प्रकार के जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो है मूर्ति पर क्या पड़ता है, इन्फ्लुएंस करता है इन कंथापुरम में। तो ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म और साहित्य, ठीक है, सत्याग्रह। तो आपका राइट हो जाएगा ही सत्याग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 19। सो व्हाट इज
एंटागोनिस्ट इन कंथापुरा, कंथापुरा का एंटागोनिस्ट कौन होता है? मूर्ति का मम्मी और रंगम्मा, नेक्स्ट है बड़े खान और नेक्स्ट है अचक्का। तो अचक्का नहीं, बड़े खान होता है, जो एक पुलिस है, ठीक है, मुस्लिम पुलिस है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन 20 है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टर अचक्का इन कंथापुरम, यानी अचक्का जो कैरेक्टर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सी रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, और नेक्स्ट है शी एक्ट्स एज ए मेंटर टू मूर्ति, ठीक है, और सी लीड्स द ठीक है वॉलंटियर कॉप्स एंड सी इज सिंबल ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? ये जो है रिप्रेजेंट करती है, मतलब करती है ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को, राइट ऑप्शन यही होगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, हम लोग आज कंथापुरम कर लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी से लगभग आएंगे, और मैं दूंगा जो लाइन बाय लाइन दूंगा एमसीक्यू। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उसको प्रेस कर लेना है। साथ ही आप एक काम कर सकते हैं कि हम जो है हर दिन 8 o'clock में लाइव आएंगे, और हर एक दिन हर एक टॉपिक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं 100 से 150 क्वेश्चन देंगे ये कंथापुरम से, बट मैं यहाँ 20 कराए हैं। तो थैंक यू, चैनल में लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मोटिवेट मिलता है। थैंक यू, बाय।